बार तो तुम मेरे हाथों से बच गए, लेकिन मैं फिर लौट कर आऊंगा। चलो साथियों, हम पीछे हट रहे हैं। आओ ना, इधर इधर आओ। हरा चला सुन डरपोक गीदड़, मैदान छोड़ गए, फिर छोड़ गए। सिपाहियों, वो कारा चला सुन सिर्फ यहाँ है, मगर कोरकुलोहान यहाँ पर नहीं होगा। हमले में मसरूफ होगा वो। जगह जगह फैल जाओ और उसे ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। चलो, हम करारगा जा रहे हैं। बहुत कुछ बाकी है, बड़े लेकर आओ फर। ये सब आखिर हो क्या रहा है? क्या सब जा रहे हैं? चंद लोगों के अलावा सब अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। और कोई चारा नहीं रहा अब हमारे पास। आलगन, किस्मत, जल्दी से तमाम जंगजुओं को कहो कि यानी शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दें, तमाम ताजिरों को यहाँ इकट्ठा करें। चलें। अब आप क्या करेंगी वालिदा? देखती जाओ बस। परसुकुन जाओ जाला खातून। इस तरह कौन करता है? अब इसे नीचे करो। तुम तो मुझे मार ही डालती, तुम मुझे मार सकती हो शायद, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अलाउद्दीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक जरूरी काम था। क्या तुम ठीक हो? उस दिन के बाद तुम्हारी वालिदा ने कुछ कहा? तुम्हारा जरूरी काम हम पर नजर रखना है। गोंजा, जवाब ना देने की वजह तुम्हारी वालिदा है क्या? तुम्हें सूरत हाल नजर नहीं आ रही क्या? मैं ये समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह नामुमकिन है। उस वक्त बात अधूरी रह गई थी। अभी तक तुमने वो जवाब नहीं दिया मुझे। क्या जवाब है? अभी तुम जाओ, अगर हमें किसी ने यहाँ देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चले जाओ। मैं चला जाता हूँ ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। निकालो बाहर मुझे, पेशी लोगों, निकालो। मेरी बात याद रखना, तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम इन्हें वहीं ले जा रहे हैं जहां इन्हें होना चाहिए था। यहां तक पहुंच चुके हैं ना वो? नहीं, उससे भी बुरा हुआ कुछ, हमला किया है ना वैशी तुर्क। क्या हम तुर्क आपको वैशी लगते हैं? हकीकत पता है क्या है? मैंने कहा था ना, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वैशी तो बाजंतीनी है और दूसरे मंगोल है। जो बुराई से हुकूमत करता है शहजादी, वैशी वो होता है। बल्कि हम तो वो हैं जिन्होंने जमीन पर अमन कायम किया, जो हमें इस्लाम ने सिखाया, और ये ही हकीकत है। और इंशाअल्लाह ये अमन हमेशा कायम रहेगा शहजादी। एक दिन तुम इस ख्वाब से बेदार हो जाओगे। तुर्क लोग सिर्फ बुराई के लिए आए हैं, मुझे अगवा नहीं कर सकते। देखना, वो ढूंढ लेंगे मुझे। हम रवानगी के लिए तैयार हैं महेंद्र साहब। वो कुछ भी कर ले, तुम्हें यहां से नहीं ले जा सकते। कुछ भी हो जाए, ये शादी नहीं होगी। खुशफहमी है ये। अगर वो लोग हमसे एक हाथ आगे हैं तो हम उन काफिरों से चार हाथ आगे हैं। हम जा रहे हैं। दुश्मन नई से नई साजिशें करता रहता है, हमेशा हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा ईमान है कि तेरे बनाए मंसूबे हर किसी पर हावी है। बस हमें फतह से हमकिनार कर या रबे। जैसे ही दरख की शाखें आसमान की तरफ बढ़ रही हैं, उसकी परेशानियां भी बढ़ रही हैं। उस्मान साहब, हाय हाय दरवेश अफंदी, जैसे ही पूरी दुनिया में ये शाखें फैल जाएंगी तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। आइए आइए दरवेश अफंदी, आइए, तशरीफ रखिए। जब मैंने कामयाबी की जमानत है वो आखिरी नबी है, उन पर नाजिल होने वाली किताब में सुना कि आपने आजाद रियासत बना ली है, मैं आपसे मिलने चला आया। मुबारक हो, अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपको खुशी हुई आजाद रियासत की, ये जानकर अच्छा लगा। खुश रहिए। आपका रास्ता रसूल अल्लाह का रास्ता है। आपको मालूम है मक्का के तमाम आला मर्तबे वाले और दौलतमंद लोग
उन्होंने रसूल अल्लाह के रास्ते में रुकावटें पैदा की और उनके खिलाफ साजिशें की, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को भी बहुत अज़ियतें दी ताकि दीन के रास्ते से हट जाएं, लेकिन वो नहीं हटे। उन्होंने अपना फरीजा मुकम्मल किया। मुशरिकीन मक्का ने आखिरी हरबे के तौर पे रसूल अल्लाह को एक मौदा पेश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, आपको मक्का का अमीर तरीन आदमी बना दिया जाएगा, बदले में आप अपना रास्ता बदल दें। अल्लाह के रसूल की तालीम दुनिया और आखरत में कामयाबी की जमानत है। वो आखिरी नबी है, जो कुछ वो लाए हैं अगर उसे कबूल किया जाए तो दुनिया और आखरत में कामयाबी है, और अगर कोई ना माने तो दुनिया और आखरत का खसारा है। इंसान को बुतों को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करना लाजिम है, उसका कोई शरीक नहीं। हुजूर ने वाज़े तौर पर फरमा दिया, आपका रास्ता भी अल्लाह के रसूल का रास्ता है। वो आपके पैरों के नीचे गुलाब की जगह बहुत से कांटे बिछाएंगे, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। दुरुस्त कहा, दुरुस्त कहा। हमारा मकसद सिर्फ सिरात मुस्तकीम पर चलना है। हमारा मकसद रसूलुल्लाह का मकसद है। हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मर्द मोमिन होते थे हमेशा। बेशक ऐसे साहबी थे जो रसूल अल्लाह के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते। आपसे काफी अरसे से मुलाकात हो रही है, चींटियों वाला किस्सा अब तक याद है मुझे। अब फिर से आपका सामना हो गया। आपके अल्फाज हमारे रास्ते को रोशन करते हैं। मैं अगर जसारत करूं आपका नाम जानने की तो हद से तजावुज तो नहीं करूंगा। अस्तग़फिरुल्लाह, मैं ताब्दूक का यूनुस, लेकिन अब सिर्फ एक दरवेश। यूनुस, यूनुस हमरे। ओए, यूनुस हमरे आप हैं। ओए माशाल्लाह, तो आइए गले लगिए। ओ यूनुस हमरे, ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। हम आपके कलाम, आपके अशार बहुत दिल जमाई से सुनते आ रहे हैं, और अब आप मेरे सामने खड़े हैं तो आपने सुन लिया। खुद मुख्तार रियासत का, अगर आपको मुनासिब लगे तो हम देखना चाहेंगे आपको मजीद। जब तक खुदा की मर्जी होगी हमारे रास्ते एक रहेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। आपको जैसा ठीक लगे। यूनुस हमरे, पैदल गए हैं वो लोग, ज्यादा दूर नहीं जा सकते। हर जगह तुम लोग फैल जाओ, हर सूरत में मुझे वो यहाँ चाहिए, जल्दी। जो हुक्म शहजादे। ज्यादा देर नहीं छुप सकती तुम मुझसे। तुमने हमें कैसे ढूंढा? मैं थक चुका हूँ होलोफेरा, थक गया हूँ अब मैं। तुम मारना चाहती हो मुझे, तो मारो ना, रुक क्यों गई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता, हाँ हर दफा तुम्हें समझाता हूँ, हर जगह दुश्मन मौजूद है, कैसे भूल सकती हो ये बात? जबरदस्ती कैद नहीं कर सकते मुझे। तो मेरे पास तो बहुत सारे रास्ते हैं। एक दफा तुम खुद को देखो जरा, मेरे साथ चलो होलोफेरा। तुम बिला वजह आए हो अरान, वापस नहीं जाऊंगी मैं, आज ट्रनोस जा रहे। रुको, तुम्हारी आंखें बता रही हैं मोहब्बत है तुम्हें मुझसे। अब से तुम्हारा घर कैस्टल है, हरगिज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। चलो या, या। चलो सिपाहियों। हम किसी को जबरदस्ती नहीं रोकेंगे, बस करें, इत्मीनान रखें। पहले आप सब मेरी बात सुने, उसके बाद ही दरवाजे खोल दिए जाएंगे।
जिसका दिल चाहे जा सकता है। ये मुत्तहिद होने का वक्त है, यानी शहर के बाजार में आपकी जाने और माल हमारी अमानत है। जिसने सोत पर हमला किया, क्या वो यानी शहर पर हमला नहीं करेगा? अपनी जान बचाने के लिए जाना चाहते हैं या महसूल से बचना है? सबसे पहले आप अपने आप से पूछ कर देखें। दरवाजे पर सबसे पहले हमला करने वाला वो होता है जिसके पास सबसे ज्यादा सिक्के होते हैं। अगर आप चंद सिक्कों के लिए अपने मकसद से हट जाएंगे तो आप अपने बच्चों के चेहरों को कैसे देखेंगे? सलीम आगा, आपने अपना सामान इकट्ठा क्यों नहीं किया? आपने सुना नहीं, याकूब साहब किसी से महसूल नहीं ले रहे। मैं और मेरी जान उस्मान साहब की मकरूज है। मैंने वादा किया था उस्मान साहब से कि मैं मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत खूब सलीम आगा, अल्लाह आपसे राजी हो। फिर आप सब क्यों भटक रहे हैं? हमने कह दिया जो हमें कहना था। आप सबका क्या ख्याल है? सिपाहियों, दरवाजे खोल दें। होलोफेरा की खाला की तरफ से कोई खबर आई? नहीं, होलोफेरा आज बाजार में भी नजर नहीं आई। पता लगाना होगा हमें, उसे तना नहीं छोड़ सकते। आप ठीक कह रही हैं, हमें उस पर नजर रखनी होगी। महमद, कल जाके देखो कि होलोफेरा क्यों नहीं आई। क्या बात है।